चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, नीलेश स्पोर्ट्स रावले बनाम टाकी गांव। निहाल जिनका एक कैच छोड़ा उस और ये गेंद हवा में और ये दूसरा कैच छोड़ा, दूसरा जीवन दान मिला और इन दो रनों से टोटल बढ़ता हुआ निहाल खुद पहुंचे निजी 13 के योगदान पर, तो उनकी टीम पहुंच चुकी है 24 के योगदान पर एक विकेट के नुकसान पर। एकमात्र उम्मीद का दिया ताकि गांव की तरफ से 17 साल का ये यंगस्टर, दो जीवन दान मिले हैं इनको, उसमें एक छक्का उन्होंने दागा, ये दोहरा रन हासिल किया दूसरे जीवन दान के तौर पर और गेंद भी काफी देर हवा में थी। अंडर 30 में इन्होंने 50 रन बनाए व्यक्तिगत 13 गेंदों में। और ये देखिए निहाल की खासियत, गेंद मिड विकेट पार बाउंड्री 6 रन। और ये फिर से एक बार गेंद हवा में और ये कैच लपका, बिल्कुल ये अच्छा कैच लपका है। क्योंकि पहले से ही देरी से आने के कारण टाकी गांव को दो रन की पेनल्टी मिल चुकी है। जैसे ये टोटल आगे जाएगा मीटिंग नहीं करेगी। संदेश मात्रेला थोड़ा पार उशीर झाला होता, परंतु त्याने तो अतिशय सुंदररित्या हा झेल पकडलेला आहे आणि फलंदाज निहाल एक आक्रमक फलंदाज मात्र बाद केलेला आहे। नए बल्लेबाज उमेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त भूषण जो निजी 3 के योगदान पर खेल रहे हैं। काफी बढ़िया कैच लिया जा चुका था। संदेश मात्रे ने गेंद हवा में, लेकिन काफी मिसफील्ड हो रही है नीलेश स्मृति सावले के इन खिलाड़ियों द्वारा। आसानी के साथ ले रहे हैं वो अपोजिशन को, हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपोजिशन आपको लगता है कि आपके सामने थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा हो, लेकिन हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अगर आप हल्के में लेकर जाएंगे खेलेंगे तो हार का भी सामना करना पड़ सकता है। सीरियसनेस होनी चाहिए इस खेल में। लेग स्टंप के बाहर टीम का टोटल 33 रन स्कोर का छक्के के साथ बढ़ता हुआ के बल्लेबाज उमेश के लिए। बिल्कुल समय ना ज्यादा ले फील्डिंग सेट करते हुए, अंपायर ये बता रहे हैं कि पॉपिंग क्रीज के पीछे अगर 3 खिलाड़ी मौजूद होंगे लेग स्टंप पर तो नो बॉल करार दिया जा सकता है। ये बात बता रहे हैं अंपायर, ये बताना भी चाहिए क्योंकि ग्रामीण लेवल के क्या खिलाड़ियों को, क्रिकेट टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, सभी नियमों का क्रिकेट में जो लॉज है उस लॉज का पता तो जरूर रहता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता। कभी कभार टेंशन भरा माहौल होता है, शॉर्ट टर्म क्रिकेट होता है 4-5 ओवर वाला, उस वजह से ध्यान इधर उधर भटक जाता है फील्ड सेट करते दरमियान। बहुत ही बढ़िया, लेकिन इस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, एक रन मिला और इस एक रन से टोटल बढ़ता हुआ 40 रन। बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा रन हासिल किया टाकी गांव ने नीलेश स्मृति सावले के खिलाफ खेलते हुए। जिस तरह से आक्रामक शुरुआत की, उसके बाद निहाल को जीवन दान मिला और उसके बाद जो छक्का दागा भूषण ने निहाल के विकेट के बाद, वो छक्का मानो संजीवनी था इस टोटल के लिए।
और ये गेंद एक रन जरूर मिला और इस एक रन से टोटल बढ़ता हुआ बहुत ही बढ़िया ओवर इस वक्त तक का कर रहे हैं पंकज गरत। शुरुआती दो गेंदों में दो रन आ चुके हैं लेकिन अब उमेश सीनियर खिलाड़ी है, लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। हमारे अंपायर नीरज राणावत और दत्ता मेहर काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, अंपायरिंग का एक बेमिसाल नमूना पेश कर रहे हैं तमाम दर्शकों के सामने। न्यूट्रल रहते हुए दोनों टीम की तरफ और ये उमेश के पारी का खात्मा हुआ, पंकज गरत को मिलती हुई एक और सफलता। बढ़िया गेंद और कवर और कवर के मिले और इन दोनों फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, सिंगल मिली और सिंगल के साथ लेग बाइस के तौर पर जो रन मिला है 44 पर आता हुआ चार ओवर की समाप्त। कुंदन भगत आणि प्रणय मात्रे स्टेज से संपर्क साधा। पैतालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके विनायक कड़ू अपने स्पेल का पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर करेंगे डेथ ओवर। और यह पंजा मिलता हुआ व्हाइट बॉल प्लस चार और टीम का टोटल 50। पचास रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आते हुए ये मुकाबला होगा बेहद मजेदार। 50 तो स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, 60 के करीब जा सकती है टाके गांव क्योंकि अभी भी 6 गेंदे इस ओवर की शेष हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके लिए चेयर दी जा चुकी है, चेयर पर आपको बैठना चाहिए। एक्साइटमेंट भले ही आप में के दिल में कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो तो दो रन की पेनल्टी अंपायर द्वारा दी गई है क्योंकि पवेलियन अगर आपके लिए बनाया गया हो तो उसी पवेलियन में बैठना चाहिए। ये टोटल 4 रनों की पेनल्टी है। ये गेंद हवा में विनायक कड़ू उस गेंद के नीचे और इसी के साथ ही आउट। पचास रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। 5 गेंदे इस ओवर की अभी भी शेष है लेकिन बगैर टाइम पास नीलेश स्मृति सावले को भी खेलना है। मोहा और तरगर, मोहा बना 51 रन के ऊपर आ चुके हैं। रश्मित भगत जा रहा है मैच में लव के भतीजे करगर ने कोने दरमियान
हेलो हेलो सामन्याचं पहिलं सत्र म्हणजे पूर्वार्ध संपलेलं आहे आणि त्या पूर्वार्धामध्ये टाकीगाव संघाची धावसंख्या हॅलो 51 धावसंख्या ही फलकावर लागलेली 52 धावांचं आव्हान आहे ते जावळा संघापुढं. मला वाटतं टाकीगाव संघाला निश्चित 60 घरात मजल मारता आली असती कारण विनायक कडू यांच्या पहिला चेंडू जो अवांतर गेला होता अवांतर पंजाब भेटला होता त्याच्यानंतर दुसरा चेंडू पण त्याच प्रकारचा. सलामीची जोडी लगेच पाठवायची आहे निलेश स्मृती जावळे आणि टाकीगाव संघानं लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचंय. हॅलो 51 धावा झाल्यात 51 धावांमधून 4 धावा मायनस 47 आणि 47 धावा झाल्यामुळे 48 धावांची गरज आहे ती निलेश स्मृती जावळे संघाला सामना जिंकण्यासाठी आणि मायक्रोफोनवर येतील या धावा कशा होत आहेत हे सांगण्यासाठी अंकुश भगत. धन्यवाद प्रवीण. मला वाटतं एक चौकार त्यांना ऑटोमॅटिक म्हणजे पेनल्टी रूपानं भेटलेला आहे आणि फक्त 47 धावांचं आव्हान आहे ते 48 जावळे संघापुढं. सलामी मैदानात एकतर पहिला सामना उशिरा झालेला आहे. सलामी जोडी मैदानात आणि ते मला वाटतं क्रॉसिंग जी काय असते ते ऑन द वे क्रॉसिंग करायचे क्षेत्ररक्षण सजवा टाकीगाव. पहिल्या सामन्याला उशीर झालेला त्यामुळे टाकीगाव संघानं आणि तिथं मीटिंग कुठली प्रकारची नाही 144 कलम खेळाडूंसाठी कर्फ्यू मैदानात लागू पटाडवर म्हणजे सामन्यात 25 षटकामध्ये पहिली निंगा संपवण्यासाठी 25 मिनिटामध्ये मैदानावर कर्फ्यू आहे नाहीतर 2 धावांची पाया पेनल्टी. सामन्याची सुरुवात आहे त्यामुळे मीटिंग चालू शकते परंतु नंतर सामना चालू झाल्यानंतर इनिंग ज्यावेळी सुरुवात होते त्यावेळी तिथं कर्फ्यू 144 कलम खेळाडूंसाठी लागू कुठल्याही प्रकारची मीटिंग गाडीस करता कामा नाही नाहीतर 2 धावांची ताबडतोब पेनल्टी. दरम्यान सलामी जोडी मैदानात स्ट्रायकर इन लागलेले ते प्रसाद घरत आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला येते मोनिश पाटील. प्रसाद घरत एक आक्रमक फलंदाज आहे तर मोनिश पाटील मला वाटतं एक क्लासिक क्रिकेटर अशी एक नावाजलेली जावळी संघाची सलामीची जोडी मैदानात. प्रसाद घरत यांनी पंचांकडून गाळ घेताना आपल्याला दिसत आहे आणि वैयक्तिकानं सांगिक पहिलं षटक गेलं घेऊन आले ते एक अष्टपैल खेळाडू टाकीगाव संघाचे निहाल ज्यांनी जी फलंदाजीमध्ये चमक आपल्याला त्यांची पाहायला भेटलेली होती तीच चमक आता आपल्या गोलंदाजीमध्ये दाखवू शकतात का ते आपल्याला पाहायचं. फक्त 9.5 धावांची गती आहे ते जावळी संघाला. बॉलिंग मार्कवर येते गोलंदाज निहाल आपल्या षटकातील प्रसाद तयार निहाल तयार क्षेत्ररक्षण सगळं ते टाकीगाव संघाचं. आपल्या षटकातला पहिला चेंडू प्रसाद यांना आणि जोरदार मारण्याचा प्रयत्न होता प्रसाद यांचा तिथे एक दाद मागण्यात आलेले आहे आणि प्रसाद मात्र संघासाठी काही न करता पहिल्या चेंडूवर आपली विकेट गमावून बसलेले आहे. पहिला धक्का हा पहिला चेंडू क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता तो प्रसाद यांचा आणि शून्यावर बाद होऊन तंबूमध्ये परतलेले आहेत. आता त्यांची जागा घेण्यासाठी आलेले आहेत ते सागर निहाल यांना आपल्या पहिल्या चेंडूवर सफलता थोडाफार उंचावलेला तर सांगितलं. दुसरा चेंडू परत त्याच पद्धतीचा चेंडू पॉईंट सीमारेच्या बाहेर वैयक्तिकांनी सांघिक खातं उघडते ते जावळे संघाचे 4 निहाल आपल्या गोलंदाजच्या मार्कला आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. निहाल धावतोय पुढचा चेंडू ब्लॉकवर पद्धतीचा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु हुकले निर्धाव चेंडू
सुंदर गोलंदाजी होता दिसत आहे ती निहाल यांची. निहाल धावतोय पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी. फुलटॉस मध्ये चेंडू आणि अतिशय सुंदर ते हा मला वाटतं षटकार. आणि खरं तर प्रेक्षकांनी आज झेल घ्यायला हवा होता षटकाराच्या बाहेर. शंभर रुपयाचं पारितोषिक आयवा कॅचसाठी कुमार शिवाय कुंदन भगत याच्याकडून. धाव संख्या 6 नऊ वाढते. धाव संख्या होते ती 10. निहाल पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी धावतोय. जोरदार मारला हवेत फटका. झेल खाली मला वाटतं क्षेत्ररक्षक. आणि अतिशय सुंदर असा जजमेंट करून आज झेल लाईन ऑन द वे क्रॉसिंग आहे. फलंदाज ऑन द वे क्रॉसिंग झालाय म्हणून ठीक आहे, पण याची खबरदारी घ्या. दुसरी सफलता लाभलेली आहे ती. फलंदाज थोडा स्लो झाला होता, आउट बाद झालेला फलंदाज. असं स्लो सुद्धा होऊ नका मला वाटतं. पॅड बांधून अगोदरच तयार. रेकॉर्ड आहे आमचा या स्पर्धेचा. 11:30 फायनल संपून लोक घरी. आणि मैदानात कोणत्याही फलंदाजाने गार्ड चेंज करू नका, त्याच्यासाठी सुद्धा 2 धावांची पेनल्टी आहे. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू. 2 सफलता लाभले त्या निहाल यांना, परंतु धाव संख्येची जी गती आहे ती गती मात्र राखलेली आहे ती जावले संघानं. धाव संख्या आहे ती 10 ना. आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू बघूया. तिसऱ्या विकेटसाठी प्रयत्न करतात का डावखोरी फलंदाज. एक आक्रमक फलंदाज, अतिसुंदर ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू. तिथं धावांतर चोरटी धाव घेण्याच्या नादामध्ये. मिसअंडरस्टँडिंग. डायरेक्ट हिट झालं होतं, परंतु नशीबवान ठरवले ते जावले ते फलंदाज. बिल्कुल आपने देखा होगा नॉन स्ट्राइक एंड पर अगर थ्रो होता तो शायद मौका बनता, पंकज गरत के पारी का खात्मा होता. लेकिन 2 विकेट हुई है पहले ओवर में. भले ही 10 रन हासिल किए जा चुके हो, प्रति ओवर की जो औसत 48 का पीछा करते हो, उस औसत को जरूर पा लिया है दिनेश स्मृति जावड़े ने. लेकिन बेशकीमती जो 2 विकेट थे प्रसाद गरत और सागर, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी. सागर ने 1 चौका 1 छक्का दागा था. निजी 10 के योगदान पर खेल रहे थे और प्रसाद गरत 0 के योगदान पर वापस पवेलियन आ चुके थे. लेकिन मोनिश पाटिल और पंकज गरत, ये मध्यक्रम के बल्लेबाज है पंकज गरत. हालांकि मोनिश पाटिल प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर अंकुश जी क्रीज पर आए हुए थे. अब इनका रुकना जरूरी है इस टीम के लिए. 2-3 ओवर एक साझेदारी होनी जरूरी है, क्योंकि कल हमने देखा मुंबई इंडियंस 5 विकेट खोई थी. ऐसा लगा था मुकाबले में पिच पचदार में फंस चुकी है. लेकिन ऐसे में 6 विकेट के लिए एक साझेदारी हुई कैरन पोलार्ड और कुणाल पांड्या के बीच. उस साझेदारी को याद कर अगर खेल को दोहराते ये दो खिलाड़ी, तब जाके मजा आएगा. मनोज आपल्या षटकातील पहिला चेंडू प्रसाद घरदे यांना आणि जोरदार मारलेला पंकज घरदे, जबरदस्त असा षटकार. मला वाटतं पहिल्या षटकामध्ये धावच्या रूपानं तिसऱ्या फलंदाजाला जो जीवनदान दिला टाकी संघानं, तो नक्कीच महागात पडणार. त्यामुळे थोडाफार पंकज गर्दे यांचा आत्मविश्वास उंचावला आणि पहिल्या चेंडूवर गोलंदाजाचा समाचार घेतला षटकार. धावसंख्या 6 वाढते. धावसंख्या होते ती 16. पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार पंकज. अतिशय सुंदर असा जोरदार मारला मला वाटतं वायडिश लांबा षटकार. जबरदस्त असा खेळ होता दिसत तो पंकज घरदे यांचा. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर धावतोय आणि हा मात्र निर्धाव चेंडू. मनोज
पुढचा चेंडू टाकतोय आणि हा मात्र गुडलेन स्पॉटचा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न होता बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही निर्धाव जातोय एसटी चित करण्याचा प्रयत्न होता तिथं एसटी रक्षक परंतु थोडाफार उशीर झाल्यानं क्रीजमध्ये सुरक्षित फलंदाज पंकज करत पुढचा चेंडू खेळत तयार आणि आणखीन एक जोरदार मारला सरळ सीमारेषी ज्या मला वाटतं बिलकुल सोबत में तीन छक्के आए उन तीन छक्कों की वजह से लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मामा भांजे के बैनर को हिट करे ये और आईवा कैच लिया गया धाव संख्या होते थे 28 आता मात्र महागडे शतक ठरक देते बिल्कुल यहाँ के आयोजन करताओं की ये ख्वाहिश है लेकिन ये गेंद हवा में आणि जेल खाली क्षेत्र रक्षक बघूया निहाल यांनी हा झेल पकडलेला आहे आणि एक आक्रमक फलंदाजी चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला बगैर टीम मीटिंग आपको ये ओवर पूरे करने हैं पंकज घरत यांच्या आक्रमक खेळीचा इथं अंत झालाय परंतु संघाला मात्र त्यांनी सावरलेला आहे आणि जवळजवळ विजयाच्या मार्गावर नेलेलं आहे दरम्यान त्यांची जागा घेण्यासाठी गेलेले आहे ते राहुल 28 रन अंकुश जिस स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके दो ओवर की समाप्ति के बाद मैनेजमेंट पावर प्ले में जिस तरह से रनों को जुटाना चाहिए था उन रनों को जुटाया है नीलेश स्मृति जावड़े के इन खिलाड़ियों ने खासतौर से पंकज खेरा तीन लगातार तो नहीं लेकिन एक ओवर में तीन छक्के दागे उन्होंने लेकिन उस ओवर की आखिरी गेंद थी मुकाबला जल्द खत्म करने की कोशिश के बजाय जो 19 गेंदें बीच की जरूरत थी सिंगल निकालते स्ट्राइक को रोटेट करते तो फिर से एक बार उन्हें स्ट्राइक मिलता ये सोच ही नहीं है नीलेश स्मृति जावड़े के खिलाड़ियों की ये बिल्कुल सोच नहीं है हमेशा हर गेंद बाउंड्री पार किस तरह से हो इसी सोच में इसी होड़ में ये लगे रहते हैं लेकिन मैच को लेकर हम किस तरह से जाते हैं जा सकते हैं ये सोच इनकी बिल्कुल नहीं है और उस सोच की वजह से कई जीते हुए मुकाबले इन्होंने हारे हैं छक्के से मुकाबला खत्म करने की कोशिश में तो हारते हारते इंसान को कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए ये मुकाबला तो उनके लिए थोड़ा बहुत आसान नजर आ रहा है 18 गेंदे और 20 रन निहाल अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए ये देखिए खराब फील्डिंग और गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन और इस मुकाबले में भले ही पंकज गरत ने अच्छा काम किया और राहुल गरत ने अच्छा काम अभी भी किया है सागर ने अच्छा काम किया हो लेकिन नीलेश स्मृति जावड़े का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि टेक्निकल खिलाड़ी जो है उनके टेक्निकल बल्लेबाज मोनिश पाटिल अभी भी क्रीज पर मौजूद है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये स्लोअर मैन कहते और ये देखिए ये खेल होना चाहिए ये वही राहुल गरत है जिन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर सेमीफाइनल में गवान के खिलाफ क्रूशियल मोमेंट पर आक्रामक पारी खेली थी और ये देखिए ये मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे चौवा आया था 18-20 की जरूरत थी 17-16 की जरूरत थी अब सिंगल निकाला अपने आप को सुरक्षित किया ये खेल होना चाहिए ये देखिए बिल्कुल सिंगल से इस ओवर को निकालते हुए क्योंकि नीलेश स्मृति सावले और टाकी गांव दोनों एक ही जगह कल क्रिकेट रजनी खेल चुके सावले गांव में और दोनों ने देखा है कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं निहाल तो इस टीम ने भी देखा है टाकी गांव के टीम ने कि दो तीन विकेट अगर शुरुआती निकाले जाए नीलेश स्मृति जावड़े के तो इस मुकाबले में ये टीम आ सकती है लेकिन ये बढ़िया गेंद में स्पीड हुई रन आउट का खतरा लेकिन सिंगल हुआ पूरा और लेग बाइस के तौर पर और सिंगल के साथ नीरज राणावत साहब ने जो इशारा किया टीम का टोटल 48 का पीछा करते हुए 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 13 की अभी भी जरूरत है और गेंदे बची है एक रन पूरा किया है शोभर की आखिरी गेंद 12 की जरूरत है लेकिन 22 के तौर पर नीरज राणावत का इशारा हुआ है जो अंपायर है
36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 13 गेंदें 12 की जरूरत, और ये बड़ा हिट लगाने की, ये देखिए ओवर की आखिरी गेंद थी और बड़ा हिट लगाने की कोशिश में थे राहुल गरत। सिचुएशन बिल्कुल इनके हाथों में थी, लेकिन अगर इस बड़े हिट के चक्कर में निहाल इनका विकेट निकालते तो इस मुकाबले में और ज्यादा मजा आता। 12 गेंदे, अब 11 रनों की जरूरत। बिल्कुल अश्वित भगत का कैलकुलेशन देखिए, उन्होंने अपने पापा से पूछा क्या 12 गेंदों में 11 की जरूरत है, पापा बोले मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता था। तो बिल्कुल पापा कहते हैं बेटा अपना काम करेगा, क्रिकेट में बड़ा नाम करेगा। बिल्कुल क्रिकेट में बड़ा नाम करेगा, जो बाउंसर के खिलाफ पुल शॉट मारना जानते हैं अश्वित भगत। गेंदबाज प्रभंजन, राहुल गरत स्ट्राइकर एंड पर, 12 गेंदे 11 की जरूरत, और यह लंबा छक्का, बिल्कुल जैसे गेंद मिडल हुई ऐसे ही लंबे छक्के इन्होंने दागे थे गवान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में इसी ग्राउंड। और धन्यवाद डीजे नवजोत सिंह सिद्धू, अगर यहां पर होते तो ये कहते हैं वाह गुरु गेंद गई तारा मंडल में आर पार स्टेडियम पार, लंबा छक्का, और इस छक्के के साथ 43 पर आता हुआ टोटल। तरगर ने टॉस जीता है, तरगर इस मुकाबले के फैसले के बाद आप रेडी रहे, तुरंत आपको मैदान के अंदर जाना है अगर आपने गेंदबाजी करने का फैसला किया हो तो। यह मौका है, ये चूके वहां पर दबाव दबाव दबाव, जो छक्का आने के बाद जो मनोवैज्ञानिक दबाव था इस खिलाड़ी के ऊपर प्रभंजन के ऊपर गेंदबाज वो झेल नहीं पाए। 3 का टोटल 44 की अभी भी जरूरत है आने वाली 7 गेंदों पर, 9 गेंदे माफी चाहूंगा। ये देखिए मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं, ये 8 गेंदे अब इस डॉट गेंद के कारण 4 रनों की जरूरत। एकदम से 10 लोगों की आवाज आई, चौवालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए सिंगल को निकाला, लेकिन इतना भी स्टडी खेलना जरूरी नहीं था, फुल टॉस गेंद थी, ये चांस लेना चाहिए था मोनिश पाटिल को, लेकिन मुकाबले को जीत कर ही वापस आना चाहते हैं क्रीज के बाहर। हालांकि उतने ज्यादा रन उन्होंने बनाए नहीं है, लेकिन एक गेंद पे बने रहे हैं। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, जरूर रन तो जरूर आया है ओवर थ्रो की वजह से, ये स्कोर इज लेवल हो चुका है, एक की दूरी है, 6 गेंदे 1 की जरूरत। टॉस के आधार पर लगभग नीलेश स्मृति जावड़े जीत तो चुकी है, यानी कि ईशा घरत ने जो टॉस किया था उस टॉस को जीता था कल की रात भंगारपाड़ा टीम ने, उस टॉस के आधार पर भंगारपाड़ा टीम जीती थी, और आज भी यह लकी टॉस साबित हुआ है, जो टॉस ईशा घरत के शुभा तो हुआ नीलेश स्मृति जावड़े जीत के द्वार पर दस्तक दे रही है। शैलेश और मुकाबले को जीत कर ही वापस आए हैं मोनिश पाटिल, लेकिन इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बनेंगे पंकज घरत। बिल्कुल बल्ला खोला नहीं उन्होंने मोनिश पाटिल ने, लेकिन सिचुएशन को हैंडल किया, लेकिन इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच 3 छक्के 1 ओवर में 2 ओवर का स्पेल, पंकज घरत बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। अविनाश जी भगत साहब इनके शुभार्थों पंकज घरत को